बार्थोलोमी ओगबेचे केरला ब्लास्टर एफसी में रहेगा। असुमा जियान की एंट्री नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। बाल्सकिस दूसरा लीग की ऑफर को देख रहा है। पहला अपडेट, इंडियन सुपर लीग 2020-21 सीजन की शुरुआत नवंबर माह की 21 तारीख या फिर 22 तारीख से शुरू होगा और जब तक कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक नहीं होता तब तक क्लोज डोर ही रखा जाएगा, मतलब ऑडियंस नहीं होगा स्टेडियम में जैसे लास्ट सीजन की फाइनल में खेला गया था क्लोज डोर। जे लाल पिकलुआ से जुड़े कुछ अपडेट, लगभग 6 इंडियन क्लब्स जे के साथ बात चल रहा है, उनमें चेन्नई एफसी भी शामिल है, लेकिन अभी तक जे डिसीजन नहीं लिया। उसने कहा कि अभी भी बहुत समय है, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लूंगा, थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करूंगा, लेकिन जल्द ही रिबिल्ड होगा मेरा फ्यूचर क्लब। दूसरा बड़ा न्यूज, केरला ब्लास्टर एफसी फॉरवर्ड बार्थोलोमी ओगबेचे दूसरा ISL क्लब की ऑफर को ऑप्शन ले रहा है। माना कि केरला ब्लास्टर एफसी में रिटेन होने की चांसेस है, लेकिन पे कट किया जाएगा जो उनकी सैलरी से है। इसी कारण मैनेजमेंट और ओगबेचे के बीच अभी भी बात चल रहा है। सुनने में आया कि दूसरा क्लब में से एक मजबूत ऑफर भी है जो बार्थोलोमी ओगबेचे को केरला ब्लास्टर एफसी से ला सकती है। वो क्लब शायद जमशेदपुर एफसी, ओडिशा एफसी या फिर फॉर्मर क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी हो सकती है। फिर केरला ब्लास्टर एफसी शायद मार्सिलिनो को साइन नहीं करेगा क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है और लास्ट सीजन मार्सिलिनो की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है और केरला ब्लास्टर एफसी इस साल इतना वैल्यूएबल प्लेयर को साइन नहीं करेगा, इसलिए संडे जिंगन को रख नहीं पाया था केरला ब्लास्टर एफसी। अगर साइन भी कर लेता मार्सिलिनो को तो इनजस्टिस होगा ओगबेचे के लिए क्योंकि मैनेजमेंट पे कट करके ही रिटेन कर रहा है ओगबेचे को। इंडियन सुपर लीग क्लब लगा हुआ है जापानीज मिडफील्डर शिंजी कांगवा को अपने टीम में लाने की एशियन कोटा स्लॉट में, लेकिन एक दिक्कत है, शिंजी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और वो निगोशिएट नहीं करेगा शायद। शिंजी के क्लब करियर की बात करें तो जापानीज लीग क्लब शिरिजो ओसाका से शुरुआत किया था, उसके बाद जर्मन लीग बोरुसिया डॉर्टमुंड में खेल चुका है, फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में भी खेला है, उसके बाद फिर से बोरुसिया डॉर्टमुंड में खेला, अब वो स्पेनिश लीग रियल जराजा क्लब में खेल रहा है और तो और शिंजी जापानीज नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एशियन AFC एशियन कप 2011 में जापान की साथ चैंपियन भी बना था। इतना बड़ा प्लेयर जो अभी भी बड़ा लीग में खेल रहा है, इसी कारण से इंडियन क्लब्स लगा हुआ है साइन करने की, लेकिन मार्केट वैल्यू के कारण से बात आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सुनने में आया कि बेंगलुरु FC रेंजर FC मेन टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेला जाएगा जो बेंगलुरु FC की प्री सीजन में होगा और रेंजर FC अंडर 18 टीम शायद बेंगलुरु FC में ट्रेनिंग करने आ सकती है और दो युवा खिलाड़ी बेंगलुरु FC से रेंजर FC यूथ टीम में खेलने की मौका दिया जाएगा जो कि इंडियन प्लेयर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर लेकिन ये सब कोविड-19 लॉकडाउन खत्म होने के बाद हो सकती है। आई लीग क्लब पंजाब FC साइन कर लिया नया हेड कोच कर्टिस फ्लेमिंग, फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर था जो राइट बैक की पोजीशन में खेलता था। रिटायरमेंट की बात इंग्लैंड की क्रिस्टल पैलेस जैसे बड़ा क्लब में काम किया, फिर क्वीन पार्क रेंजर में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में काम किया, उसके बाद मिडलसबर्ग क्लब में हेड कोच बना जो सेकेंड टीयर लीग में खेल रहा है इंग्लैंड में। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बड़ा क्लब में काम करने की और अब वो इंडियन क्लब पंजाब FC में साइन हुआ है। शायद मैनेजमेंट यही होप करेगी कि उसकी एक्सपीरियंस इंग्लैंड में कुछ करने की आप इंडिया में रिजल्ट लाए पंजाब FC की साथ और टाइटल जिताने में भी मदद करें आई लीग 2020-21 में। फॉर्मर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC असुमा जियान से जुड़े कुछ अपडेट, कुछ दिन पहले सोर्स से पता चला कि असुमा शायद रिटेन हो सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC में, लेकिन जब तक उसकी फिटनेस क्लियर नहीं होता तब तक श्योर नहीं है और ये भी कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फॉरेन प्लेयर को साइन नहीं करेगा जब तक वीजा रिस्ट्रिक्शन फॉरेन प्लेयर को अलाउड नहीं करता इंडिया में आने की। बाल्सकिस से जुड़े कुछ अपडेट,
चेन्नई एफसी और दो तीन क्लब की ऑफर इतना मजबूत नहीं होने के कारण बाल्सकीज शायद दूसरा कंट्री की लीग की ऑफर को देख रहा है। इससे साबित हो रहा है कि अगर अच्छा ऑफर नहीं मिला इंडियन सुपर लीग क्लब से तो बाल्सकीज शायद इस बार नहीं लौटेगा इंडियन सुपर लीग 2020-21 सीजन में। ओडिशा एफसी फिर से नया इंडियन प्लेयर कमलप्रीत सिंह को साइन कर लिया। मिनर्वा पंजाब एफसी किस्सा टाइटल जिताने में मदद किया था, फिर इस बेंगल में दो सीजन खेला। अब कमलप्रीत सिंह ISL क्लब ओडिशा एफसी में डेब्यूट करने वाली है। डिफेंडर की पोजीशन में खेलती है, उम्र 22 साल। लगता है इस बार ओडिशा एफसी युवा खिलाड़ी के साथ एक कोर टीम बना रहा है। अभी तक जो कोई भी साइन हुआ है सब युवा खिलाड़ी है और अच्छा क्वालिटी वाला खिलाड़ी है जो आगे जाकर इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखती है। अच्छा न्यूज निकला है आई लीग सेकेंड डिवीजन क्लब के लिए। कहा जा रहा है कि सेकेंड डिवीजन लीग अब से कम समय में शुरू होगा और ख़त्म भी जल्द होगा, मतलब स्मॉल टूर्नामेंट की तरह होगा। इसमें 8 रजिस्टर्ड टीम होगा, फिर डेवलपमेंट क्लब्स इंडियन सुपर लीग की और कुछ डेवलपमेंट क्लब्स आई लीग की भी होगा। शायद अगस्त सितंबर महीने में शुरू होगा और ख़त्म भी उसी महीने में होगा। फिर जो भी विनर बनेगा वो टीम डायरेक्टली प्रमोट किया जाएगा, जो कि आई लीग में ऐसा रिपोर्ट मिला है। लेकिन यह सिर्फ डिसीजन हुआ है, अभी भी फाइनलाइज होना बाकी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। ये फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करता तो और भी एक्साइटमेंट भरेगा इंडियन क्लब्स ओनर की, क्योंकि हर कोई टॉप डिवीजन या फिर सेकेंड टीयर लीग में खेलना चाहती है और इस तरह से बहुत सारा क्लब रिप्रेजेंट कर सकती है सेकेंड टीयर लीग में। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना तक ही। टाइम निकलकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।